Assalamu alaikum, Jumma Mubarak. And to start with, I'll start with English. And the purpose of starting in English is that I'm asked many times that why don't I make my videos in English? And because of making my videos in English, I can make my channel grow very faster and I can have a larger number of audience. I may have a different approach, but just to share why I'm making my videos in Urdu in my local language is that there's a lot of content available in English, and people who have access to English and people who know where to find whatever they want, they can always browse through pages of Google and YouTube, and they can always access to that information that they want to have. Large number of people in Pakistan, they are not very comfortable with the language, which is English, and definitely they do not have access to the information. They cannot browse through the pages of internet. They cannot search the content that they should be looking for. So I've tried to become a medium for that part of the population and the information that is available on online. Now, we have seen that for past 60, 50, 60 years, this language, which has been the language of, you know, all the NGOs and aid that has been coming to Pakistan, and they have been failing. So all these NGOs, they have been failing to deliver for the purpose that these funds have come down to Pakistan, and the beneficiaries are people who are working with these groups and who are really well versed in speaking this language. So they are basically a couple of hundred people who are being benefited actually by good amount of money that is paid in terms of salary or the contracts or whatever. I wanted to have some purpose in my life, and to define the purpose, let me come back to my local language, which is Urdu. हर शख्स जिंदगी गुजारता है, और जिंदगी अपने लिए तो हम हर कोई गुजार लेता है. हम सब लोग जो हैं ब्रेड विनर हैं अपनी फैमिली के लिए. हम सब अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, अपनी तरक्की की बात करते हैं, अपनी फैमिली की खुशहाली की बात करते हैं. हर चीज़ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए होती है. इस मेरे के आगे हम लोग नहीं सोचते हैं. मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ग्रेट इंसान हूँ या मैं कोई बहुत ग्रेट बनना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, कर रहा हूँ, अपनी अभी भी जो कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ अगर मैं अपने साथ 30, 30, 40, 50, 100, 200, 500 लोगों के काम आ जाऊँ और उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट छोड़ जाऊँ, इट डजेंट मैटर कि मेरी आउटरीच हज़ारों में है, मेरी आउटरीच लाखों में है, मेरे चैनल को कितने कितने हज़ार दफ़ा देखा जाता है, इट रियली डजेंट मैटर. बट मेरी ख्वाहिश है ग्रो कर जाए, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन इफ़ आई एम एबल टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ ऑफ 10 पीपल रियली, और उसके लिए मुझे सैलरी कोई नहीं दे रहा. यूएस एडवाल ने बड़ा काम किया, फलाम ने बड़ा काम किया, जो सैलरी लेते हैं उसके लिहाज से जो डिलीवरी है वो काउंट अगर की जाए तो मैं इस काम के कुछ पैसे नहीं ले रहा. आई एम नॉट दिस इज नॉट माई ब्रेड विनिंग और ब्रेड अर्निंग थिंग दैट आई एम डूइंग. घंटों पढ़ने के बाद जो कंटेंट इंग्लिश में है, जो मैं सीखता हूँ उसको अपनी ज़ुबान में ला के लोगों तक पहुँचाने में जो मज़ा, जो लज्जत मुझे आ रही है, उस लज्जत के साथ अगर 10 लोगों को भी मेरी बात समझ आ जाए, 10 लोग जो हैं वो भी मेरी बातों से कुछ हासिल कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लें, तो मेरे ख्याल से मैंने अपना ज़िंदा रहने का जो पर्पस था वो पूरा कर लिया. सो कमिंग डाउन टू द बेसिक कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, द पर्पस ऑफ लाइफ. देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ अपने लिए तो जीना होता ही, अपनी कामयाबी तो होता ही, अपने अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए तो पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल है, हमें सब कुछ करना है. टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, आपका पर्पस क्या है? यू नीड टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ. मे बी मेरी बातें ज़िंदगी में बहुत सारे नशीब अफराज देखने के बाद मुझे समझ आए, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ. बहुत सारे लोगों को ना कनेक्ट कर पाएंगे, ना क्लिक कर पाएंगे. इट इज़ वेरी इजी किसी दूसरे को
कुछ भी कह देना, बड़ा मज़ा आता है जब कल इतफाक से चैनल के ऊपर ही कमेंट करते हुए एक दोस्त ने बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की और आग भी लगी और दिल में आया कि बड़ा टका के जवाब दूँ, लेकिन किसी के चीप कमेंट का चीप तरीके से जवाब दे दिया तो मेरे और उसमें फ़र्क क्या है। एक और किसी शख्स के साथ कल बहस में बासा हो रहा था और मेरी एक बड़ी नॉर्मल सी बात को उन्होंने बड़े ही भोंडे अंदाज में बयान करके बड़ा अपने आप को जो है वो साबित करने की कोशिश की और मेरे जवाब में मैंने बड़ा लंबा लिखा कि ऐसा जवाब दूँ कि सारी ज़िंदगी बंदा चलता रहे, उसको मैंने डिलीट कर दिया और उसके जवाब में मैंने सिर्फ एक इमोजी हंसी वाला भेज दिया, काफ़ी है। सोचते रहो अगर समझ सको तो। हर फजूल बात का जवाब उससे डबल फजूलियात के साथ देना पर्पज़ ना बनाया लाइफ का, हर धोखे का जवाब धोखे से देना पर्पज़ ना बनाया लाइफ का, किसी दूसरे को नीचा दिखा के खुश होना अपनी लाइफ का पर्पज़ मत बनाइए। हेल्प करिए जहाँ तक कर सकें, उसके एवज़ रिटर्न की उम्मीद ना लगाइए। लाइफ में कुछ सिर्फ दो लोगों की लाइफ के अंदर अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर लें अच्छे तरीके के साथ, दो अच्छे लफ्ज़ बोल के, किसी की इज्जत करके, किसी की रहनुमाई करके, किसी को गाइड करके, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। इंशाल्लाह ये मेरा अपनी ज़ात से भी वादा है और ये मेरी अल्लाह से उम्मीद भी है, वेरी सून बहुत सारे लोग कहेंगे आई न्यू हिम, आई वर्क विद हिम, आई सैट विद हिम। इंशाल्लाह वक्त वक्त आएगा कि जिस वक्त लोग जब मैं सामने आऊँगा तो कहेंगे कि हाँ इस शख्स को हम जानते हैं, मेरे से ताल्लुक़ था किसी ज़माने में। मेरा ये एम है, ये मेरा पर्पस है लाइफ का, आई वॉन्ट टू बी ओवर देयर इन माई लाइफ। कर पाता हूँ नहीं कर पाता इट डजेंट मैटर, जिस तरह से बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं आजकल इमरान खान के ऊपर भी और बाकी लोगों के ऊपर भी तनकीद होती है, मैं सिर्फ इतना से कहूँगा कि देखिए गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो, हर किसी का उसको जांचने का अपना अपना पैमाना है। कोई शख्स कितना कामयाब हुआ वो जानता होगा कि उसकी कामयाबी का स्केल क्या था और यहाँ आप अपनी मर्जी के स्केल के लिहाज से उसको देख रहे होंगे। कामयाबी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, किसी को पूरी मिलती है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक की और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक की नहीं होती है, किसी को उसकी मर्ज़ी से ज़्यादा मिल जाती है। सो मेरी कामयाबी तो जो मेरा पर्पज़ है वो तो अपनी ज़ात के लिए है कि रिटायरमेंट प्लान कि बस रिटायर हो जाना है और उसके बाद मैंने चिल करना है और बहुत सारे लोग आर पीपल आर गोइंग टू रिग्रेट इन देयर लाइव्स कि वो साथ थे और अब साथ नहीं है। इंशाल्लाह करैक्टर अपना ऐसा होगा, किरदार अपना ऐसा अच्छा होगा कि कोई उंगली नहीं उठा सकेगा इंशाल्लाह। आप किसी के साथ रवैया अपना ऐसा रखिए कि जब कल को किसी के साथ आमना सामना हो तो वो नज़रें चुराता फिरे, शर्मिंदगी के मारे आप फ़ख्र के साथ अपने पैरों पे सर उठा के खड़े रहें। क्यों? आपने उसके फजूल हरकत का, घटियापन का, घटियापने से जवाब नहीं दिया। लाइफ के पर्पस को देखिए, वो पर्पस खाली पैसा कमाना ही नहीं है, वो पर्पस अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला के, अब लोगों के साथ अच्छा रवैया रख के, किसी की हेल्प करके, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। ट्राई टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ एंड लिव विद इट एंड लिव फॉर इट। खुशी चीज़ों में नहीं होती है, खुशी किसी भी चीज़ में मिल सकती है, किसी भी काम में मिल सकती है, खुशी खाली सोचने से भी मिल सकती है। अगर सोच के खुश हो सकते हैं तो सोच के खुश होइए, कुछ करके खुश हो सकते हैं कुछ करके खुश होइए। किसी को धोखा दे के, नीचा दिखा के, ओवर स्मार्ट प्ले करके अगर आपको लगता है कि आपने टाइम अच्छा गुजार लिया और आपने वो कामयाबी हासिल कर ली, ये वक्ती कामयाबी है। कारमा जो कर्म है ना, घूम के ऐसी बला है वो वापस आती है, उसका अपना टाइमिंग है लेकिन बड़े बुरे तरीके के साथ वापस आती है, उसको हमेशा दिमाग पर रखिएगा। ये कुछ बातें अगर आप अपने साथ जोड़ के रख लें तो इंशाल्लाह लाइफ के अंदर आप अपने लिए तो बेहतर कर ही लेंगे लेकिन अपने साथ साथ शायद एक दो लोगों की लाइफ में भी आप कंट्रीब्यूट करने के
جواز بن جائیں گے, وجہ بن جائیں گے اور لوگوں سے دعا مل جائے گی. ناؤ آئی مے ناٹ ہیو پرفیکٹ ویسٹرنائزڈ ایکسنٹ فار انگلش, آئی مے ناٹ ہیو دا ویری اٹریکٹیو پرسنالٹی, اور آئی مے ناٹ ہیو دا وائس دیٹ مائی یو نو مے میلٹ یور ایئرس, بٹ ایٹ لیسٹ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹرائنگ, کوشش شروع کر دی اپنے لیول پہ, چھوٹے سے لیول کے اوپر, کہ میں نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. دیکھیے پتھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جب بھی اس کو آپ کھڑے ہوئے پانی میں گرائیں گے وہ کچھ نہ کچھ ریپل افیکٹ کریٹ کرے گا. کوشش میری یہی ہے کہ میں ایک وزنی پتھر کی طرح کا پتھر بن جاؤں, کہ جو اس کی پانی سے ٹکرانے کے بعد جو لہریں ہیں وہ دور تک اور بڑی بن جائیں, بن کے جائیں. نہ بھی بن پایا, چھوٹی سی کنکری بن کے اگر زندگی گزار لی تو کم سے کم یہ ہوگا دو چار لہریں تو کریٹ کی. سو ٹرائی ٹو فائنڈ اے پرپز ان یور لائف, ٹرائی ٹو کریٹ اے ریپل افیکٹ اراؤنڈ یو, ٹرائی ٹو اسپریڈ سم پازیٹیوٹی, ٹرائی ٹو اسپریڈ سم گڈنیس. بہت لوگ آپ کو ملیں گے, آپ کو مرد بھی ملیں گے عجیب و غریب قسم کے, آپ کو خواتین بھی ملیں گی عجیب و غریب قسم کی, جو اپنے آپ کو تو بہت اعلیٰ اور عرفا سمجھتے ہیں لیکن وہ اندر سے اتنے سے بھی نہیں. ان کو دیکھ کے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, ان کو اتنا ہی رہنے دیجیے. اپنے قد کو, اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی کوشش کیجیے, اسی میں کامیابی ہے. اور کوشش کیجیے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں, جہاں پہ جس حد تک کسی کی مدد کر سکیں مدد کرتے جائیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا, تھینک یو ویری مچ. بات کو اچھی لگے شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.